नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट गार्डनिंग गाइड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मिर्ची की खेती के बारे में बताऊंगा, जो अपने घर के बालकोनी में मिर्ची कैसे उपजाएं और उसका कुछ स्पेशल टिप्स है जो कि मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर के समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को मिर्च के पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ये वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने मिर्च का पौधा अपने घर के बालकोनी में लगाया हुआ है और इसमें काफी फल भी आया हुआ है, जो फल काफी बड़े बड़े हो गए हैं, जो ये अभी निकालने लायक हो गए हैं। अभी एक दो दिन में मैं इसको किचन के यूज के लिए निकालूंगा। और पौधे मेरे काफी स्वस्थ है क्योंकि मैंने पौधे को काफी केयर किया, अच्छे से इसको ध्यान रखा, इसलिए पौधे इतने स्वस्थ और हरे भरे दिख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे में बहुत सारे फूल भी आए हुए हैं और अभी काफी आ भी रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी फूल वगैरह सब निकल रहा है। हर एक पॉट्स में आप देखेंगे कि फल लगा हुआ है, इतना सारा बड़े बड़े सब मिर्ची हो गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें। और ये मिर्ची बड़ा होकर के रेड हो गया है, जो कि इसको हम किचन में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम बीज में यूज करेंगे। आगे हम जो पौधा लगाएंगे तो उसको हम यूज पौधा लगाने में हम इसको यूज करेंगे। ये पौधा सारा जो है मैंने खुद जो है बीज से तैयार किया हुआ है, मार्केट से बीज लेकर के और उसको पॉट में लगाया हुआ है। ये सारे जितने सारे पॉट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का बोतल है, ये सारे प्लास्टिक का बोतल है, जो कि बाहर लोग प्लास्टिक को फेंक देते हैं, जो वातावरण के लिए सब दूषित और गंदा फैलाता है। उस चीज को मैंने गार्डन बनाने में यूज किया, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि सब में इसमें प्लांट लगाया हुआ और बहुत बढ़िया से हुआ है। मिर्ची का पौधा जो होता है, ये हम लोग साल में दो बार उपजाते हैं, एक गर्मी के टाइम में और एक सर्दी के टाइम में। सभी आदमी को ऐसा होना चाहिए कि घर में अपने इस तरह का प्लांट लगाएं और किचन के लिए हम यूज करें। दोस्तों, मिर्ची के पौधों जब हम लगाएंगे तो उसका कुछ टिप्स है जो कि उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर उस टिप्स को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो पौधा क्या है कि हमारा सही नहीं हो पाएगा, उसमें फल नहीं आएगा। वो टिप्स जैसा कि मैं आप लोग को अभी दिखाने जा रहा हूं, जैसा कि ये छाछ और ये जो है मेडिसिन है, इसके साथ मेडिसिन भी हम डालते हैं। और दूसरा चीज है कि हम जो है खुदाई के लिए भी यूज करते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम पौधा को लगाते हैं तो लगाने के बाद में जब पौधा 10 या 12 दिन का हो जाता है या 15 दिन का होगा, तो उसमें क्या है कि हमको 1G और 2G 3G इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूं कि 1G क्या होता है। जैसे पौधा ये बड़ा हो गया है तो 1G हम इसको अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का जो ब्रांच दिख रहा है इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ये कटिंग करेंगे, तो क्या होगा कि अब ये 1G अप्लाई हो गया इसका। अब ये ब्रांच ऊपर से कटिंग हो गया, कटिंग होने के बाद में हमको इस पर दया नहीं आना चाहिए कि इतना हरा भरा पौधा है और इसका हम ऊपर से मुंडी को तोड़ दिए। बस अलती हम 1G अप्लाई कर रहे हैं। 1G अप्लाई करने के बाद में अभी क्या होगा इसे कि यहां से डबल ब्रांच फेंकेगा, यहां से दो और ब्रांच फेंकेगा तो और अलग अलग, तो उसको क्या है कि फिर उसको हम वो दोनों ब्रांच को कटिंग करेंगे, दोनों ब्रांच को कटिंग करेंगे तो फिर उसमें से अलग अलग दो फेंकेगा। इस तरह से क्या है कि एक पौधा से हम बहुत सारे मिर्ची को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 2G 3G 4G सब कटिंग का ये टिप्स होता है, जो कि हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा कि इस छोटे से पौधे में आपको 1G करके दिखाया मैंने, वो चीज मैं बड़े पौधे में दिखाने जा रहा हूँ,
जैसा कि ये बड़ा पौधा है, तो बड़ा पौधा में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही इसमें फर्स्ट जी का अप्लाई किया था, जहां से दो ब्रांच यहां से निकला हुआ है, और ये बड़ा होने के बाद में फिर मैंने यहां से फिर 2G का अप्लाई किया। 2G अप्लाई करने के बाद में ये यहां से अलग अलग शाखा अलग अलग निकला है। तो इसमें क्या है, ये सारे 2G 4G 3G अप्लाई करने से हमें ये फायदा होता है कि बहुत सारी ब्रांच निकलेगा, तो जिससे फ्लावरिंग फ्रूट्स बहुत सारे होगा। और जितनी सारी शाखा निकलता है उसमें क्या है कि हमको पौधे को भी देखना पड़ता है, इसमें खाद उसी हिसाब से जो भी है ऑर्गेनिक खाद ये सब देना पड़ता है, क्योंकि जितनी शाखा बढ़ेगा तो उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट पौधे के रिक्वायरमेंट भी होगा। तो ये सब चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को उदाहरण के तौर पर मैंने दिखाया कि 2G 3G अप्लाई किया हुआ पौधा है, और इसी तरह से मेरा सारे पौधे में मैंने 2G 3G अप्लाई किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने सारे फल आए हुए हैं, ये सारे इतने बड़े बड़े फल जो हैं आप देख रहे हैं, ये सारे अभी फूल अभी निकल रहे हैं 2G 3G में, जो अप्लाई किया हुआ अभी फूल आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस साइड में ये सारे जो है ये फूल दिख रहे हैं ये है। और बाकी ये सब होने के बाद में हमको क्या करना है कि प्लांट्स के पॉट्स को समय समय पर गुड़ाई करना होता है। गुड़ाई में देखना होता है मिर्ची के पौधा में नमी मेंटेन रखना पड़ता है, हम इसमें ज्यादा पानी नहीं डालते, अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो इसमें एक मोलोरिया रोग होता है, मोलोरिया रोग उसको कहते हैं, जिसका पत्ता होता है लीफ कॉर्प बोलते हैं, जो मुड़ता है इधर से मुड़ जाएगा और उसमें उसका उसमें फल फूल नहीं आएगा। तो ये सब चीज को हमको ध्यान रखना पड़ता है। खुदाई हम इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा देखिए, नॉर्मली मेरे पास ये एक खुदाई करने वाला औजार है जिससे हम इसको खुदाई करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए ये जैसे कि मैंने हल्का हल्का 1 इंच या 2 इंच तक इसको खुदाई कर दिया। अब खुदाई करने से क्या है कि इसमें इसका ग्रोथ जो है अच्छा होगा, और इसको इसका जड़ तक जो है ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ऊपर का जो मिट्टी है लूज हो गया है, जिससे क्या है कि इसमें ऑक्सीजन जो है इसके जड़ तक जाएगा। और ये भी है कि अब इसमें क्या है कि अब इसको हमको ये ध्यान रखना है कि जब तक इसका मिट्टी ऊपर से सूख नहीं जाएगी तब तक पानी नहीं डालना है, और इसको हमको खुदाई करके रखना है। तीसरा टिप्स जो है जो कोई इम्पोर्टेंट है, जो कि लीफ कॉर्प मोलोरिया रोग जिसको बोलते हैं, जो कि पत्ता ऊपर से होता है क्या कि मुड़ जाता है, तो मुड़ जाता है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इसमें है, अभी भी है थोड़ा बहुत जो कि मुड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको हम मोलोरिया रोग बोलते हैं, जैसा कि पता हो गया है। बेसिकली मैंने इसको केयर किया उतना तो नहीं है, इसमें सब मैंने पहले ही मैंने सब निकाल दिया, उसको ध्यान में रखा जिससे कि मेरे पौधे सारे स्वस्थ है, ऐसा कुछ है नहीं। बट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसा मोलोरिया जो है रोग होता है। मोलोरिया होता है कि आगे से, जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का पत्ता होता है जो आगे से मुड़ता है, तो जब भी मोलोरिया रोग होता है उसको उस प्लांट का पत्ता को हमको निकाल के फेंक देना होता है। और इसमें क्या है कि जैसे कि ये छाछ हमने तैयार किया हुआ है, ये कॉपर का बर्तन है जो कि पूजा उजा के लिए बेसिकली यूज करते हैं, जो पूजा में अभी इसको यूज नहीं करते हैं, अलग से रखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम छाछ बनाते हैं दूध से, और ये छाछ जो होता है ये बैक्टीरिया वगैरह के लिए, सब जीवाणु वाला इस प्लांट के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसको हम जब भी ऐसा मोलोरिया रोग होता है इसको टाइम टू टाइम इसको हमको छिड़काव करना है, जिससे हमारे पौधे जो है स्वस्थ रहे। तो ये सब चीज, ये सारे ट्रिक्स वगैरह जो भी ये सब ने मैंने समय समय पर किया, और ये हमारा ये जो छाछ है इसको ऊपर जो है छिटने उठने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जो कि मैंने बाहर बाजार से मार्केट से खरीदा हुआ है, और उसे सारे पौधे पर मैंने ये सब डालता हूँ। एक बार आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि कैसा होता है, जैसे कि आ रहा है देख रहे हैं इस तरह से हम इसको छिड़काव करते हैं। तो ये छाछ जो है इसमें भर करके और इस पर छिड़काव करते हैं। तो ये जितने सारे हैं टिप्स है, ये सब टिप्स सब मुझे मालूम है, जिसके वजह से हमारे प्लांट जो है ये सारी चीज मैंने अप्लाई किया इस पौधे पर, जिसके वजह से हमारे पौधे हैं आज हरे भरे दिख रहे हैं, और काफी अच्छा फल भी है इसमें, काफी अच्छा
फल हरा भरा जो है आपको दिख रहा है, बहुत सारे फल जो है जो पीछे के तरफ में छुपा हुआ है जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, आप देखिए इधर, और कितना अभी छोटे छोटे है जो कि ये सब है, अभी कितने अभी बड़े होने वाले हैं, और सारे जितने सारे पॉट्स है सब में फल जो है आया हुआ है। अभी इसमें नहीं आया है लेकिन अभी इसमें भी निकलने वाला है, अभी तो ब्रांच ये बड़ा हुआ है। और तो ये सारे जो टिप्स बताया और मैंने मिर्ची के बारे में जहां तक जो बताया, मिर्ची आप लोग को भी मालूम है कि मिर्ची हमारे रसोई में सब्जी वगैरह में हर चीज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें सादा शौक से अपने घर में ये करना चाहिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।